वेलकम टू द एपेटाइट सागा एप्पल बर्फी। इसके लिए सबसे पहले सेब को अच्छे तरह से धो करके इन्हें पील करना है। जब सारे सेब पील हो जाए तो इन्हें ग्रेट करना है, पर अपने हाथों को संभाल के ग्रेट कीजिएगा। इसके बाद थोड़े से गुनगुने दूध में चुटकी भर केसर डालिए। गरम कढ़ाई में घी, फिर उसके बाद उसमें सेब, और इसे धीमी आंच पे भूनिए। आंच कम रखिएगा वरना हाई फ्लेम से एप्पल जल सकता है। इसमें चीनी ऐड करना है और इसे भूनते रहिए। थोड़ी ही देर में सेब पानी छोड़ देगा। इसे तब तक भूनना है जब तक पूरा पानी सूख ना जाए। आप चाहे तो चुटकी भर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और फिर मिल्क पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे। अगर कोई लम्स रहता है तो आप इसे लैडल के हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक प्लेट में थोड़ा सा घी लेके इसे अच्छे से मिक्स करना है। हम इसी में बर्फी सेट करेंगे। फिर एप्पल के मिक्सचर को प्लेट में रख के इसे चारों तरफ से इक्वल करना है, जितना हो सके उतने अच्छे से इक्वल करना है। जब ये इक्वल हो जाए तो फिर इसे फ्रिज में 4 घंटे के लिए सेट करना है। 4 घंटे के बाद एक बार चेक कर लीजिए ये सेट हुआ है कि नहीं। अगर सेट हो गया है तो आप इसे नाइफ से काट सकते हैं। इसे जो चाहे मन शेप में काट सकते, पर स्क्वायर में काटने से वेस्टेज कम होता है। आपका एप्पल बर्फी रेडी है।